राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। अब सीएम गहलोत के करीबी माने जाने वाले युवाओं के खेल मामलों के मंत्री अशोक चांदना ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। चांदना ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कुलदीप राका पर भी सभी विभागों पर कब्जे का आरोप जड़ते हुए कहा कि सभी विभाग वहीं चला रहे हैं तो फिर उनके मंत्री रहने का क्या मतलब है, उन्होंने जलालत से मुक्त करें। सिर्फ चांदना ही नाराज नहीं, एक दिन पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भिदूड़ी ने आरोप लगाया कि पुलिस हावी है, जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मेरिट भर्ती परीक्षा के घोटाले की सीबीआई जांच से इसलिए डर रहे हैं कहीं उनके एक नजदीकी मंत्री जेल न चले जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार सीएम लोढ़ा ने भी गृह मंत्री का नाम लेकर परोक्ष रूप से उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मामला उठाने के बावजूद गृह मंत्रालय और पुलिस एक मामले में कार्रवाई नहीं कर रही और निर्दोष को फंसा रही है। इस बीच गहलोत सरकार ने एक और मंत्री नाराज विधायक और मंत्री के समर्थन में उतराई। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मंत्री विधायक की बात सुनी जानी चाहिए। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में दावेदारी के मसले पर कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष की शिकायत की और कहा कि पार्टी किसी कीमत पर जिला अध्यक्ष दिनेश को खोडनिया को टिकट न दे। खोडनिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं और राज्यसभा टिकट के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। गणेश घोगरा विधायक पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन घोगरा अभी तक इस्तीफा वापस लेने को भी तैयार नहीं हुए। इस बीच राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने इस मामले पर गहलोत सरकार को घेरते हुए अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि एक मंत्री कोई बात कहता है तो ये माना जाता है कि सामूहिक मंत्रिमंडल का ये कहना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की सत्ता में इतने छेद हो गए कि पानी बहुत तेजी से भर रहा है। गणेश घोगरा हो या एक के बाद एक, इस प्रकार के आपाधापी का वातावरण बना हुआ है। सरकार में जनप्रतिनिधि घुटनों पर रेंग रहे हैं और अपमान की राजनीति चरम पर है। सचिन पायलट के जो हालात है, सीएम ने खुद को कहा था कि मैंने एक साल तक उनके संवाद नहीं किया। अशोक चांदना ने मंत्री पद को जलालत भरा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।